It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अन गेट सी सी सो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून सर की तरफ से सभी बच्चों गुड आफ्टरनून शशांक खुशबू जी हैं रवि हैं विवेक चंद्रा अजय देवेंद्र प्रणय राहुल सबको यार वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ठीक है चलो अब जल्दी सब लोग फटाफट यार सेशन में जुड़ जाओ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वीडियो हाँ बेटा बिल्कुल वही थी वो ठीक है तुम तो लोग जानते हो जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो शेयर करो फटाफट जितने बच्चे दिख रहे हैं उतना ही लाइक भी दिखने चाहिए ठीक है अटेंडेंस लगा दो फटाफट हम लोग बढ़ते हैं आगे शुरू करते हैं अपनी बेहतरीन क्लास को ब्रिक हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिक ब्रिक सिंधी हम लोग को पढ़ना था काफ़ी चीजें हम लोग समझ भी चुके थे ब्रिक का क्लासिफिकेशन हम लोग समझ चुके थे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह हमने देखा था और सर आप हमको समझा रहे थे कि ब्रिक बनता कैसे है ब्रिक की प्रिपरेशन कैसे होती है ये हम लोग अच्छे से देख रहे थे ठीक है और हम लोग कल यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्या नाम है ब्रिक अर्थ सीख चुके थे याद आ रहा होगा सबको और हम लोग ने मोल्डिंग देखा था ठीक है और हमने ड्राइंग देखा था आज हम लोग मोल्डिंग ड्राइंग के आगे बर्निंग की ओर बढ़ेंगे और उसको प्रोसेस को कंप्लीट करके और आगे जाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो जल्दी से सब लोग क्या करो बिल्कुल बिल्कुल दबा के लाइक से बाल अच्छा बाल अभी सर जो है जल्दी कटवाने ही वाले हैं बेटा समझ रहे हो चलो लाइक वेक करो बेटा जल्दी से एकदम ठीक है शुरू करते हैं अपनी क्लास को यार सब लोग सर को जानते हैं सर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़ सकते हो तुम लोग बढ़िया तरीके से और सर का कोड क्या है सी एस टेन जिसको यूज करके तुम लोग बहुत सारी लाइव क्लासेस देख सकते हो तुमको बता चुके हैं कई बार सारे बच्चे अन की ऐप डाउनलोड करेंगे वहां पे देखो सर तुम लोग के लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइव क्लासेस ले रहे हैं ठीक है सब लोग बड़े बड़े लाइव क्लास अटेंड करो फॉर एग्जाम्पल जैसे आज शाम को पाँच बजे आर की क्लास होगी बढ़िया सी ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं ठीक है उसके रेफरेंस में हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ठीक है और भी अन एकेडमिक ऐप पे बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं जो तुम दे सकते हो कौन सा कोड यूज करोगे सी एस टैन कॉम्बैट से तुमको खेलना है ठीक है एक बात और जरा सुन लो सब लोग फोर्थ अप्रैल को कॉम्बैट होने वाला है ठीक है फोर्थ अप्रैल को कॉम्बैट होने वाला है फिर से तैयार रहो सुबह ग्यारह बजे के आसपास और वहां पे तुमको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है तुम्हारी जो फीस है वो घट सकती है तो जरा जल्दी से कोशिश करना और वहां पे जाके आज ही तुम एनरोल कर लो उसको और अगर वहां कोई कोड पूछता है तो कोड तुमको यूज करना पड़ेगा सी एस टैन ठीक है इसके अलावा अगर तुम यहाँ सब्सक्रिप्शन लेते हो तब भी फायदा है कोड का ठीक है तुम लोग दो सब्सक्रिप्शन एक प्लस का और दूसरा किसका आइकॉनिक आइकॉनिक का आईकौनिक के अंदर तुमको पर्सनल कोच मिलता है जो तुमको बराबर अपनी तैयारी के दौरान गाइड करेगा जिससे तुम्हारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है स्टडी मटेरियल मिलता है सबको पता ही सब बातें चलिए आगे बढ़ते हैं फीस सब लोग ऐप पे देख सकते हैं ये प्लस की फीस लिखी हुई है प्लस तीन वेरिएंट में आता है एक साल डेढ़ साल और दो साल यही अगर हम बात आइकॉनिक करें तो आइकॉनिक आता है दो वेरिएंट में एक साल और दो साल फीस देख लेना और हाँ सबको कौन सा टेन कहीं भी है नाम है टेन समझ गए बात आगे बढ़ते हैं क्लासेस की बात कर लेते हैं अभी क्लासेस जो चल रही है यूट्यूब पे सुबह सात बजे आर चल रही है सबको पता है वन फोर्टी पे बी चल रही है सब लोग बार बार पूछते हैं सर बता रहे हैं और आज शाम को पांच बजे सर होगा क्या आरसीसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है आरसीसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ये होगा सर स्पेशल क्लास में जिसके लिए तुम लोग अन्य ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो गेट एसी कैटेगरी में ठीक है किसी और कैटेगरी में नहीं है गेट एसी कैटेगरी अपना गोल सेलेक्ट करो और वहां पे मुझे फॉलो कर लो एट द रेट चेतना करके ये भी तुम सर्च कर सकते हो वहां पे शाम को पांच बजे क्लास होगी ठीक है और सभी लोग सर के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं ताकि सर की हर एक वीडियो तुमको मिलती रहें ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं अभी फिलहाल हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट हैं चेतन सर सी एस टेन टेलीग्राम चैनल का नाम है जहाँ पे सब लोग जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से एकदम तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे तुमको सर की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी और पी वगैरह जो भी तुम लोग बोलते हैं वो सर यहीं पर डालते हैं और रिप्लाई भी तुम लोग को यहीं करते हैं ठीक है इसी टेलीग्राम ग्रुप में नीचे एक बटन आता है डिस्कस का उस डिस्कस बटन को क्लिक करके अपनी बातें तुम लोग लिख सकते हो ठीक है जो भी तुम लोग की क्वेरी है जो भी चीजें तुम लोग को चाहिए वो यहाँ पे लिख दिया करो ठीक है समझ गए सर फॉलो कर चुके हैं हम लोग बहुत लोग और आगे जितने लोग नए बच्चे देख रहे हैं वो भी वीडियो को फॉलो कर लेंगे कल तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं जरा एक बार डिस्कशन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर सर तुम लोग कमेंट्स लेंगे ठीक है तो कल तक सर देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ब्रिक का क्लासिफिकेशन आपने थोड़ा बहुत हमको समझाया था फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास है ना कंपेयर भी हमने अच्छे से कर लिया था उसके बाद हमने अच्छी जो हमारी मिट्टी होती है ईंट के लिए ईंट के लिए हमारी अच्छी मिट्टी होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया और हर एक का फंक्शन देखा था अभी रिवाइज भी कर लेते हैं जल्दी से फिर हम लोग आज मैनुफैक्चरिंग चल रही थी मैनुफैक्चरिंग को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कोशिश करेंगे टेस्टिंग में पहुंच पाए ठीक है तो अब जरा कमेंट्स हम लोग लेते हैं जल्दी से ओके सभी को गुड आफ्टरनून यार सब लोग आ भी गए हैं ठीक है और फटाफट कमेंट बॉक्स में तहलका मचा देंगे एक बार जल्दी से और लाइक वाइक कर देंगे हाँ आज बर्निंग पढ़ना है बिल्कुल बर्निंग पढ़ना है बिल्कुल सही बात है ठीक है चलो इंट्रोडक्शन हम लोग चल रहा था क्या क्या था कि हम लोग पहले मैन जो है बहुत ही लंबे समय से क्या कर रहा है ब्रिक को यूज कर रहा है और इसका जो मॉडलर साइज है हमारा क्या है नाइनटी नाइन लेकिन मसाले के साथ हो जाता है ट्वेंटी वेट वगैरह कितना है देख सकते हो डेंसिटी पता है कन्वेंशनल साइज जो ब्रिक थी उसका साइज भी पता है और फ्रॉक का, का काम क्या होता है ये भी तुमको पता है ठीक है फ्रॉक का, का काम भी पता है साइज भी फ्रॉक की पता है ठीक है ओके उसके असर आपने उनको फर्स्ट क्लास बताया था फर्स्ट क्लास टेबल मोल्डेड होता था और तुमको कल हमने मोल्डिंग के बारे में समझा दिया है मोल्डिंग कई प्रकार की थी हैंड और मशीन हैंड के अंदर दो थी ग्राउंड और टेबल ग्राउंड ज्यादा बेकार था टेबल ज्यादा अच्छा था तो so, टेबल यूज होती है तो ऑबियसली फर्स्ट क्लास भी बनेगा और उसको हम लोग किल के अंदर बंद करते हैं गहरे लाल और एकदम स्मूथ टाइप के ब्रिक्स होते हैं क्लिंगिंग साउंड आती है सब तुमको पता ही है यार है ना और इसका वाटर ऑप्शन बीस परसेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रशिंग स्टैंड दस ज्यादा होना चाहिए उसको एक्सी हम लोग यूज करते हैं जनरली सेकंड क्लास उससे थोड़ा बेकार स्ट्रेंथ कम वाटर ऑप्शन देखो ज्यादा हो गया बाईस परसेंट के आसपास पहुंच गया है ना और ये ग्राउंड मोल्डेड है किल के अंदर ये भी बन के आते हैं ऐसे हमारा थर्ड क्लास था और बेकार और ब्लैकिश हो जाएंगे है ना इनका थोड़ा सा और इरेगुलर्टी हो जाएगी और जो साउंड है वो और कैसी हो जाएगी डल हो जाएगी जो हमारी मेटेरिक क्लिंग साउंड थी वो खत्म हो जाएगी और वो हो जाएगा और डल ठीक है ओके क्रशिंग स्ट्रेंथ पाँच और वॉटर ऑप्शन पच्चीस और जो हमारे फोर्थ क्लास होते हैं वो तो एकदम बेकार होते हैं फाउंडेशन में यूज़ किया जाते हैं बहुत ज्यादा ओवरबर्न है और डार्क इन नेचर है डार्क कलर के हैं आप देख सकते हो ये डार्क कलर के हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ईंट का रंग गिरता जा रहा है फिर स्ट्रेंथ के आधार पर हमने क्लासीफाई किया था

सर सिलिका का फंक्शन क्या था ब्रिक की शेप को मेंटेन रखना श्रिंकेज वार्पिंग ड्राइंग ये सब जो चीज़ें होती थी उससे बचा लेता था ठीक है याद आ रहा होगा क्रैकिंग श्रिंकेज वार्पिंग सबसे बच जाते थे और श्रिंकेज से बचाता था अगर ये ज़्यादा हो जाएगा सर प्रॉब्लम हो जाएगी कोहजन निकल जाएगा कोहेजन मतलब जो कोहजन उनके बीच में पार्टिल्स में वो कम हो जाएगा और हमारी ब्रिक जो है वीक हो जाएगी ब्रिटल हो जाएगी और टूट जाएगी जल्दी ठीक है ओके उसके बाद अगर हम बात करें ये अपना शेप साइज मेंटेन रखता है परसेंटेज उनको पता ही एलुमिना की बात करें प्लास्टिक प्रोवाइड करता है ब्रिक को शेप लेने में मदद करता है जब हम लोग उसको आकार देते हैं मोल्डिंग करते हैं ठीक है ज्यादा होगा प्रॉब्लम होगी अगर एलुमिना की मात्रा ज्यादा है तो हमारा जो ब्रिक है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक की तरह काम कर सकता है क्योंकि हाई एलुमिना का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो हीट झेलने की क्षमता क्या होती है बढ़ जाती है लाइन का काम क्या होता है कि एलुमिना और सिलिका के जो मेल्टिंग पॉइंट जो बहुत ज्यादा हाई है उसको थोड़ा सा नीचे ला के सबको आपस सब में फ्यूज करे सबको आपस में कंबाइन करे फ्यूजन करे ठीक है फ्यूजन सबको पता है बताओ फ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारा जब हमारी चीजें पिघल रही हो तो उस, उसी समय क्या हो सब आपस में जुड़ जाए उसी समय पिघली हुई स्टेट में सब लोग आपस में जुड़ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं ठीक है एक्सेस हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा शेप एप क्या होगा बिगड़ जाएगा सर क्योंकि लाइन क्या करता है मेल्टिंग पॉइंट का करना चीजें बिगड़ सकती है आयरन ऑक्साइड इंपरबिलिटी कॉज करता है ड्यूरेबिलिटी देगा ऑब्वियसली जब इम्परबल होगा तो अंदर कुछ जा नहीं पाएगा और रेड कलर देता है और यहाँ पे क्रैकिंग वार्पिंग होगा ज्यादा होगा तो मैग्नीशिया हार्डनेस और येलो टेंसी देता है और श्रिंकेज को कम करता है ठीक है ओके okay, बहुत कम कंटेंट है फिर सर आपने हमको बताया था कि हमारा ब्रिक कैसा होना चाहिए हमारा ब्रिक इस तरीके का होना चाहिए कि उसको जब हम फिंगर से स्क्रैच करें तो उसके अंदर स्क्रैच के लिए रेजिस्टेंस होनी चाहिए एब्रिजन झेलने की क्षमता होनी चाहिए मेटेलिक क्लीनिंग साउंड होना चाहिए वाटर ऑप्शन किसी भी हालत में बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रशिंग स्टेंट दस से ज्यादा होनी चाहिए ब्रिक के अंदर कहीं भी कोई सल्फर कंटेंट कार्बोनशियस कंटेंट बिडोनस कंटेंट या स्टोन या पथरी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए शेप साइज परफेक्ट होना चाहिए कलर उसका गहरा लाल होना चाहिए टेक्सचर उसका रफ होना चाहिए ताकि मसाला अच्छे से छिपक सके ये सारी बातें हम लोगों ने कल करी थी उसके असर कल आपने हमको समझाना शुरू किया था क्या मैनुफैक्चरिंग याद आई रहा होगा जल्दी बताओ प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सबसे पहला स्टेप क्या था कमेंट करते हुए चलेंगे सब लोग है ना क्या हो गया आरसीसी प्लस का रिकॉर्डेड फॉलो करें या यूट्यूब का प्लस पे हो तो प्लस का करो ठीक है हाँ चलो बढ़ते हैं आगे तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में सर आपने हमको बताया था पहले अर्थ की जो लेयर थी उसको ऊपर से हटाओ फिर क्या करो मिट्टी निकालो बाहर डिगिंग करो अच्छे से फिर उसको साफ करो जितना उसको छान सकते हैं छानेंगे फिर उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे बेहतरीन फिर जो भी सामग्री मिलानी है उसमें मिला दीजिए ब्लेंडिंग कर देंगे ब्लेंडिंग के बाद हम क्या करेंगे उसमें टेम्परिंग करेंगे उसको गूंथ देंगे पानी डाल के प्रोपोशन में एकदम ताकि उसके अंदर प्लास्टिटी आ जाए ठीक है तो उनसे पूछा टेम्परिंग क्यों करते हैं तुम बोलोगे सर टेम्परिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके अंदर वो प्लास्टिसिटी अचीव हो जाए जिससे वो क्या कर सके जल्दी बताओ जिससे वो शेप ले सके ठीक है सिंपल बात है एकदम ओके तो हम क्ले को प्रिपेयर करेंगे ठीक है सर और दो तरीके थे मैनअली या तो मशीन के अंदर कौन सी मशीन यूज करते थे जिसका नाम था पगमिल पगमिल यूज करते हैं अगर पगमिल पगमिल में नीडिंग करोगे तो हम लोग उसको पगिंग बोलेंगे ठीक है टेम्परिंग इन पगमिल इज नोन एज पगिंग फिर सेकेंड स्टेप में सर हमने उसको आकार दिया था मोल्डिंग की थी हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग हैंड मोल्डिंग ऑब्वियसली थोड़ी सी बेकार थी है ना और मशीन मोल्डिंग अच्छी थी लेकिन ग्राउंड मोल्डिंग काफी ज्यादा पॉपुलर रखते हैं इसमें ये देख सकते हो इमेजेस तुमको सर ने सब दिखाई थी एक बात और बताई थी कि जो मोल्ड हमारी सर मोल्ड की जो वॉल्यूम है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि हमारे ब्रिक बाद में ड्राइंग करते समय और जब हम उसको बर्न करते तो उसमें क्या होता है श्रिंक कर जाता है ठीक है बात तुमको समझ में आ रही होगी सब अच्छे से और मोल्ड सर दो तरह के लेते थे लकड़ी के और स्टील के है ना लकड़ी स्टील दो तुमको बताए थे हमने याद आ रहा होगा अब मोल्डिंग का तुमने क्या किया था सर मोल्डिंग या तो आप टेबल पर करिए तो ग्राउंड पे करिए हम लोग पढ़ चुके हैं ये ग्राउंड वाला टेबल वाला है इसके बाद सर आप ड्राइंग करिए ड्राइंग करते क्यों हैं क्योंकि देखो वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है लगभग तीस परसेंट के आसपास वाटर कंटेंट होता है समझ रहे हो लगभग थर्टी परसेंट वाटर कंटेंट होता है उसको हम लोग को कम करना होता है और रेंज में लाना होता है तीन से पाँच परसेंट की ठीक है लिख देते हैं बल्कि क्योंकि इतने इतने वेट ब्रिक्स को अगर डायरेक्टली जलाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ लिख देते हैं कि ग्रीन ब्रिक्स का जो वाटर कंटेंट है सर काफ़ी ज़्यादा है अराउंड थर्टी है और ड्राइंग करने के बाद यहाँ लिखते हैं ऑन ड्राइंग हमारा जो वाटर कंटेंट है वो लगभग लगभग पांच परसेंट की रेंज में चला जाएगा ठीक है तीन से पाँच परसेंट मान लो और इतना मॉइस्चर कंटेंट सफिशियंट है फिर हम लोग ब्रिक को बर्न कर सकते हैं ठीक है मॉइस्चर कंटेंट कम करके हम ब्रिक को क्या कर सकते हैं बर्न करते हैं अगर तुम डायरेक्टली इनको जला दोगे यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा स्मोक बनता है और प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा ठीक है ब्रिक का शेप एकदम डिस्टॉर्ट हो जाएगा प्रॉब्लम

आज का टॉपिक हमारा क्या है बर्निंग है बहुत ध्यान समझेंगे एकदम हाँ वेरी गुड ठीक है तो चलो शुरू करते हैं बर्निंग बढ़िया तरीके से एकदम तो बर्निंग देखो सबसे पहले तुम यहाँ पे देख पा रहे हो क्लैंप लिखा लिखा है है और इधर किल पहले तो ये समझ लो कि बर्निंग का मेन काम क्या है बर्निंग का मेन काम ये है कि जो तुम्हारी ब्रिक है ठीक है उसके अंदर दो तीन प्रोसेस होती है जलाते समय ठीक है दो तीन प्रोसेस होती है सर क्या प्रोसेस होती है सर देखिए जब भी हम किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते हैं तो हमने ये देखा है कि उसके अंदर जितने भी कंपाउंड हो जाते ऑक्सीडाइज होंगे या तो वो रिड्यूस होंगे या तो वो जल जाएंगे कैल्सिनेशन होगा उनका ठीक है जो बड़े कंपाउंड्स होते हैं वो सिंपल कंपाउंड में टूट जाते हैं तीन ही चीज हो सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन या तो बड़े कंपाउंड्स का छोटे कंपाउंड में टूटना यही देखने को मिलता है जब हम जलाते हैं ठीक है थीके? तो देखो जब हम बर्न करना शुरू करते हैं ईट को तो पहले तो क्या होता है पहले सारा पानी निकलता है बाहर बहुत ध्यान सुनो पहली प्रोसेस में क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है सब लोग ध्यान सुनेंगे बल्कि इसको लिख भी देते हैं तो ज्यादा हाँ आप इसको पका देंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग है ना बिल्कुल सही बोल रहे हो तो चर्चा करते हैं फिर हम लोग बढ़िया से क्या सबसे पहले जब हम ईट को जलाते हैं तो क्या निकलता है पानी डिहाइड्रेशन होता है और टेम्परेचर हम एकदम सही आता है अच्छा ये बताओ जब लोग ब्रिक को भट्टे के अंदर बर्न करते हैं तो टेम्परेचर कितना रखते हैं कोई बताएगा कमेंट करके एनी किसी को कोई आइडिया कि टेम्परेचर कितना रखा जाता है जब लोग ब्रिक को बर्न करते हैं कोई बता सकता है जल्दी बताओ जब हम लोग ब्रिक को बर्न करते हैं टेम्परेचर कितना रखते हैं कोई भी कमेंट करके बता सकता है ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है ठीक है सर तुमको सब अच्छे समझाएंगे तो देखो यार यहाँ पे लोग क्या करते हैं बर्निंग कर रहे हैं दो तीन स्टेप हम लोग अच्छे समझते हैं इसके अंदर सर देखिए सर बर्निंग के अंदर होता है तीन स्टेज कितने स्टेज होती है सर तीन स्टेज उसके बाद हम लोग इस पर आएंगे ठीक है बर्निंग कैसे होगी क्या होगी वो तो हम लोग बाद में समझेंगे पहले तो ये बर्निंग में होता क्या है है ना पहले वो सामने अपने बैकग्राउंड का गया इसमें ये रहा ठीक है देखो तो स्टेजेस देखिए स्टेजेस देखिए क्या क्या होती हैं पहले तो इतना समझ लो बर्निंग से ही उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है बर्निंग से उसकी सॉफ्टनेस हटती है बर्निंग से उसके अंदर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ती है डेंसिटी बढ़ती है ठीक है सर स्टेजेस तो बताइए क्या क्या होती है जरा देखिए सर अच्छा ईट जो होती है हम लोग को उसको ना ज्यादा जलाना है ना कम जलाना है ठीक है ना उसको अंडर बर्न छोड़ना है ना ओवर अंडर छोड़ोगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ प्रॉपर आनी पड़ेगी ओवर कर दोगे तो वो ज्यादा जल जाएगी ज्यादा ब्रिटल हो जाएगी ठीक है तो हमको बहुत ही प्रॉपरली बर्न करना है तो अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होना शुरू होता है बात करेंगे तो सबसे पहले तुम यहाँ समझो सबसे पहले होता है बेटा डिहाइड्रेशन पहली स्टेज होती है डिहाइड्रेशन यहाँ पे क्या होता है पानी जितना पानी पांच दस परसेंट बचा हुआ है वो बहुत तेजी से तुमको धुआं बनकर निकलते हुए दिखेगा इसमें पानी स्मोक बन जाता है ठीक है ये हमारा डिहाइड्रेशन फेज होता है ये हमारा टेम्परेचर होता है इस समय लगभग चार से साढ़े की रेंज में ठीक है चार से साढ़े की रेंज में और यहाँ पे ऐसा होता है कि जो हमारा क्या नाम है Uh, पानी है वो स्मोक बनता है ठीक है पानी निकलता है डिहाइड्रेशन का मतलब ये है लिख सकते हैं वाटर इस, इस्मोकिंग, वाटर स्मोकिंग स्मोकिंग स्टेज तुम सोच रहे सर पानी सिगरेट पी रहा है क्या नहीं बेटा ऐसा नहीं कह रहे हैं पानी सिगरेट नहीं पी रहा है वाटर स्मोकिंग स्टेज का मतलब ये हुआ कि जो पानी है वो धुआं बनके निकल रहा है चार सौ साढ़े छह सौ रेंज में यह भी टेम्परेचर एकदम से यहां पहुंचा गया है सेकेंड स्टेज में क्या होता है सेकेंड स्टेज में क्या होता है भाई ठीक है और थोड़ी बहुत चीज़ें और ही बर्न हो जाती हैं साथ में ठीक है लेकिन मेनली इसमें हमारा क्या है ठीक है मेनली हमारा इसमें वाटर बर्न होता है फिर सेकेंड स्टेज आता है हमारा ऑक्सीडेशन पीरियड ऑक्सीडेशन पीरियड टेम्परेचर हम और बढ़ा रहे हैं अब हम साढ़े छः सौ से नौ सौ की रेंज में पहुंचने लगे हैं साढ़े छः सौ से नौ सौ की रेंज में पहुंचने लगे सर और अब बताओ क्या होगा अब सर ऐसा होगा कि हर एक चीज़ क्या होने लगेगी सर जितनी भी चीज़ें हैं वो अंदर ऑक्सीडाइज होंगी फॉर एग्जाम्पल कार्बन है तो वो सीओ में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर कंटेंट है तो वो एसओटू में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होना है ठीक है हर एक चीज टेम्परेचर भाग ऑक्सीडाइज हो जाती है बॉन्ड और सर ब्रेक हो जाएंगे सारे सल्फर रिमूव कार्बन रिमूव अपने अपने गैसेज बना लेंगे ठीक है यहाँ लिख सकते हैं हम लोग और भी तुम समझ लो जितना कार्बन है हट जाएगा जितना सल्फर है हट जाएगा जितना आयरन है वो हट जाएगा तो दो तीन चीज़ें जो मेनली देखने को मिलती हैं वो ये है कि सर जितना भी हमारा कार्बन है एक्स्ट्रा वो सब सीओ टू फॉर्म में निकल जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फर जो है सर अपना एसओटू के फॉर्म में निकल जाएगा कह सकते हैं और जो हमारा आयरन टू प्लस है उसके अंदर आयरन वगैरह है तो अगर वो फेरस फॉर्म में है टू प्लस फॉर्म में तो फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो गया ना ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए फेरस फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जल्दी होता है हमारा ऑक्सीडेशन पीरियड के अंदर ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि सल्फर क्या नाम है सल्फर भी रिमूव हो जाएगी कार्बन रिमूव लेकिन हाँ एक बात और सुन लो पहले कार्बन का नंबर लगता है पहले कार्बन का नंबर लगेगा फिर सल्फर का नंबर लगेगा ठीक है आयरन जो है साथ साथ चलता रहता है तीसरा स्टेज की अगर हम बात करें तीसरे स्टेज की बात करें तो अब होता है वेट्रिफिकेशन फेज यहीं पर पे, यहीं पे क्या होता है कि हमारा जो पूरा का पूरा ये जो मास है जो ईंट है वो पूरी पूरी पिघल जाती है एकदम यहाँ लिखते हैं विट्रीफिकेशन विट्रिफिकेशन का मतलब ही होता है कि चीजें ग्लास की तरह पिघल गई अब एकदम तुम देखते होगे जब किसी चीज को बहुत गर्म करते हैं तो वो विट्रीफाई हो जाती है और इमेजिन करो तुमने कभी बहुत गर्म गर्म चीजें देखी ऑरेंज रंग की एकदम पिघली पिघली हो जाती हैं बस वही हमारा क्या है वेट्रिफिकेशन प्रोसेस है तो अगर अब तुम टेम्परेचर को नौ के ऊपर लेके जाओगे ठीक है 900 से लगभग 1300 की रेंज में ये चलता है 900 से लगभग 1300 की रेंज तक ये टेम्परेचर वेरी किया जाता है और हमारा जो क्या नाम है जो सब्सटेंस है वो ग्लास के फॉर्म में कन्वर्ट जाता है लिख देते हैं का मतलब क्या है विट्रिफिकेशन मतलब कन्वर्ट द दर मास इंटू ग्लासी लाइक सब्सटेंस कन्वर्ट द मास इंटू ग्लासी लाइक सब्सटेंस समझ रहे हो कन्वर्ट द मास इंटू ग्लासी लाइक सब्सटेंस अब सर एक तथ्य और है यहाँ पे ठीक है एकदम पिघल पिघल सा जाता है और अब इसके बाद क्या होता है हम लोग देखो इसके पिघलने से बड़ा फायदा है यार इसके पिघलने से बहुत फायदा है इसी समय क्या करता है लाइन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देता है लाइम सारी चीजों को अच्छे से फ्यूज कर देता है यहां पे यही सब होता है उसके बाद क्या होगा जब इसकी कूलिंग होगी अब अब जब इसकी कूलिंग होगी तो हमारे ईंट बन जाएंगे बढ़िया से और उसके अंदर अप्रोप्रियट स्ट्रेंथ और हार्डनेस आ जाएगी बात समझ में आ रही होगी तुम लोग को ठीक है तो वेट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अच्छा सर ये भी बात मान ली आपकी आप सुनो इसमें भी देखो दो चीजें हैं हमको जरूरी नहीं है तेरह सौ तक पहुंचना पड़े डिपेंड करता है कि जो हमने क्ले क्ले ली है उसके अंदर एलुमिना कंटेंट कैसा है तुमको हम समझा चुके हैं दो टाइप की क्ले आती है एक आती है जिसमें एलुमिना कंटेंट कम हो और एक में एलुमिना कंटेंट ज्यादा हो तो वो क्ले यहां लिखते हैं दो पॉइंट ठीक है दो पॉइंट देख लो वो क्ले जिसके अंदर एलुमिना कंटेंट कम है यहां लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट क्ले लो मेल्टिंग पॉइंट के लिए तो उसको हम लोग टेम्परेचर देते हैं कितना 900 से 1100 सौ नौ सौ से ग्यारह सौ ठीक है देख रहे चलो और अगर वो हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए होगी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो ऑब्वियसली उसके अंदर से एलुना की मात्रा ज्यादा होगी और उसको जो टेम्परेचर हम लोग देते हैं वो ग्यारह सौ से ऊपर देते हैं ठीक है ग्यारह सौ से लगभग बारह सौ पचास की रेंज में टेम्परेचर इसको दिया जाता है ठीक है ऑब्वियसली सर इसके अंदर क्या है एलुना की मात्रा कम है इसके अंदर एलुना की मात्रा कम है और यहाँ पे एलुना की मात्रा ज्यादा है ठीक है और आयरन ऑक्साइड का काम तो हमको पता ही है फ्यूज करने का कर, ठीक है ये भी तुम देख सकते हो बढ़िया से और अब क्या करना है हमको उसको ठंडा करना है बस अब ब्रिक हमारी ठंडी होगी और हमारी ब्रिक जो है एकदम एक्चुअल शेप में अपने आ जाएगी लेकिन एक बात समझ लेना जल्दबाजी अगर कर दी कूलिंग करते समय अगर कहीं जल्दबाजी हुई तो ब्रिक में क्रैक्स आ जाएंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है ये फट भी सकते हैं क्रैक भी हो सकता है बड़ी दिक्कत आ जाएगी ओके ओके बिल्कुल और एक बात और है सल्फर अगर ज़्यादा होगी तो भी प्रॉब्लम होगी सल्फर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है सल्फर होती है मान लो सल्फर निकल गई थोड़ी बहुत बच भी गई अगर तो उससे ऊपर से इस उसमें क्या नाम है थोड़ा सा स्कम सा जम जाता है ठीक है सल्फर इससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए ठीक है एल्कलीज और ये सब चीज़ें स्कम उसके ऊपर डिवर्ट कर सकती है तो ये स्टेजेस होती हैं ठीक है ठीके? अब सर ये जो भी स्टेजेस हैं तो एक बात सुन लो टेम्परेचर सब लोग समझ लेंगे कि जो मेनली हमारा ब्रिक का भट्टे का टेम्परेचर है वो एटलीस्ट

सर देखिए एक होता हमारा क्लैम्प दूसरा होता हमारा भट्टे ऑब्वियली ये सुपीरियर है हम लोग इनको भी अच्छे से कंपेयर करेंगे वन ऑन वन देखेंगे क्या क्या, क्या सिस्टम है तो क्लैम्प देखो थोड़ा सा देसी तरीका है पुराना जुगाड़ है इसको हम लोग हिंदी में पजावा बोलते हैं ठीक है थोड़ा देसी जुगाड़ है ये ध्यान सुनना देसी जुगाड़ है यहाँ पे क्या है टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर से बनाते हैं और हम लोग यहाँ पे ब्रेक को सीधे जला देते हैं सीधे सुहा सीधे बेटा सुहा लेकिन किल के अंदर क्या है कंट्रोल ज्यादा होता है चीजों को हम लोग अपने हिसाब से कैरी आउट कर सकते हैं कंट्रोल होता है और जैसे देखो अच्छा किलमी कितने तरह दो तरह के इंटरमीडिएट दूसरे कंटिन्यूअस इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस क्या फर्क है बताओ नाम में ही लिखा हुआ है इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि हमने ईंट को रखा और फिर उसको पकाया फिर जब वो ईंट पक के बाहर निकली फिर हमने अगली ईंट रखी फिर उसको पकाया फिर बाहर निकली ठीक है मतलब एक बैच अंदर गया उसको जलाया गया फिर बाहर आया फिर एक बैच अंदर गया फिर उसको जलाया फिर बाहर आया बात समझ में आई कि नहीं आई बिल्कुल अब बात करते हैं कंटिन्यूस की ऐसा मामला है कि इधर से ब्रिक गए अंदर अंदर ही नहीं बाद में ऐसा नहीं है यहां पे काम लगातार चलता रहता है तो ऑब्वियसली तुम बताओ ब्रिक प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी इन सब में सबसे सब ज्यादा किसकी होगी सीधी सी बात है देखो तो लॉजिकली तुम सोच सकते हो है ना बहुत ऑब्वियस बात है ब्रिक प्रोड्यूसिंग पे कैसे होगी कंटिन्यूअ होगी ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो सही सोच रहे हो तुम लोग ठीक है अब इंटरमीडिएट में सर दो तरीके होते हैं एक होता है हमारा अपड्राफ्ट एक होता है डाउन ड्राफ्ट और इसके अंदर तीन है बुलट्रेंच हॉफ मैन टनल टनल ज्यादा मतलब की है नहीं हम लोग ये करके डिस्कस करना शुरू करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्लैम्प के ऊपर क्लैम्स पुराना तरीका है थोड़ा सा देसी तरीका है तो यहाँ देखो ध्यान से सब कुछ समझ जाओगे बहुत ही ईजी बात है ना अच्छा क्लैम में क्या होता है एक देखो एक थोड़ा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है और ये जो किल्स हमारी परमानेंट होती है ठीक है परमानेंट नेचर है थोड़ा तो सा लंबे समय तक ये टिकती हैं और इसमें भी देखो कई टाइप की हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग ठीक है लेकिन हाँ जो बेसिक फर्क है यहाँ क्लैंप में और किल में वो तुम ये जान सकते हो कि क्लैंप में सर क्या होता है हमारा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है और किल के अंदर क्या होता है हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर होता है ये याद रखो ठीक है ओके सर चलिए बढ़ते हैं आगे जरा एक सेकेंड रुक जाओ ठीक है सर तो समझ गए हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए

ऐसा नहीं कि आपने ब्रिक एक बार तैयार किया उसके स्ट्रक्चर को तोड़ दिया ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे तो चलो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लैंप पहले हम लोग पढ़ने वाले क्लैंप ठीक है देखो बहुत ही जबरदस्त इमेज तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है देख पा रहे हो ये क्लैंप है इसके अंदर क्या करते हैं बात करेंगे कमेंट करो बात समझ में आ रही कि नहीं ओके अच्छा घर के पास है बहुत अच्छी बात है विक्ट्रीफिकेशन ज्यादा एकदम पिघल सा जाता है वो समझो एकदम पिघल जाता है और सारी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं फ्यूज हो जाती हैं बेटा ठीक है शशांक अच्छा राहुल कह रहे हैं दुबई भट्टे हैं बेटा ये तो बहुत तगड़ा चलवा है तुम्हारे यार बेटा तुम्हारे दुबई भट्टे बैठते हैं तो योदा तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो पहले राहुल तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है सृष्टि जी कह रही हैं आज ही देखा अच्छा चलो कोई नहीं चलो बड़ो 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 है ना तो ठीक है सर ये क्लैम्प हमारा है इसमें क्या होता है जरा बताइए हमको ठीक है इसमें देखो क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या है कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर पहली स्मॉल स्केल जब उनको मैनुफैक्चरिंग करनी है तो लोग इसको ही यूज़ करते हैं अपने देश में काफ़ी कॉमन भी है ये ठीक है यहाँ पे लिखते हैं कुछ पॉइंट्स स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरिंग के लिए ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है लेकिन हाँ तुमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं तो स्मॉल स्केल मैनुफैक्चरिंग में क्लैम्प का अच्छा खासा योगदान है तो इसमें करते क्या है एक मिट्टी का स्ट्रक्चर बनाते देखो ऐसा करना है हमको पहले तो ये देखो ये जो तुम क्लाइम देख रहे हो ये बेटा इन्क्लाइंड है, है ठीक है लगभग पंद्रह डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होती है और कमाल की बात ये है यहां देखो लगभग इसका थर्टी परसेंट ग्राउंड के नीचे है और बचा हुआ ऐसा ग्राउंड के ऊपर है थोड़ा ग्राउंड के नीचे थोड़ा ग्राउंड के ऊपर ऐसा देख सकते हो ठीक है ये भी दिख रहा है सर हमको ये तुम इसका एलिवेशन देख रहे हो सामने से है ना इसको अगर हम टॉप से देखें तो इसका जो क्रॉस सेक्शन होंगे वो ऐसा दिखाई देगा यार इसका क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसा ट्रेपेलोज दिखाई देगा और तुम देख सकते हो ट्रेपेजॉइट टाइप का तो तुमको दिखेगा और इतना हिस्सा क्या होगा इतना हिस्सा जो होगा वो जमीन के नीचे भी है देखो है ना एंगल कितना बन रहा है है सर पे पे ये 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 जो जो एंगल 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 तुम तुम देख देख रहे रहे हो हो भी कितना है? ठीक है ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है, है पंद्रह डिग्री के आसपास लगभग ठीक है पंद्रह से तीस डिग्री डिपेंड करता है पंद्रह देते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो हम यहां लिख सकते हैं क्लैम्प का थोड़ा सा हिस्सा क्या है जमीन के अंदर है थोड़ा सा हिस्सा जमीन के बाहर है करते क्या है वो बताइए अब देखो हम लोग क्या करेंगे पहले एक लेयर में फ्यूल को रख देंगे ठीक है फ्यूल फिर हम यहाँ पे ईट रख देंगे फिर फ्यूल रख देंगे फिर ईट रख देंगे फिर फ्यूल रख देंगे फिर ईट रख, रख देंगे इस तरह से तीन चार लेयर में बना दी ठीक है अच्छा एक एक जो लेयर हमारी ईट की रहती है वो लगभग सत्तर अस्सी सेंटीमीटर की रहती है देखो यहाँ लिखा भी हुआ है थोड़ा सा छोटा करते हैं ध्यान दो ठीक है और जो क्या नाम है इसकी टोटल हाइट है लगभग तीन से चार मीटर की ज़्यादा मोटा नहीं रखते हैं ज़्यादा ऊंचा नहीं रखते हैं तीन चार मीटर का होता है बस ठीक है तीन छः मीटर बहुत है और क्या नाम है ठीक है सर यहाँ पे फ्यूल रखा फ्यूल की जो लेयर है हमारी सत्तर अस्सी सेंटीमीटर की और जो ब्रिक की जो लेयर लेते हैं वो लोग तीन चार इंट तीन चार इंट की लेयर अच्छे से रख देते हैं ठीक है ऑब्वियस इससे कम ब्रिक बन पाएंगी कम ब्रिक बन पाएंगी और हमने इसको फिर क्या करा मिट्टी से चारों तरफ मिट्टी से इसको कवर कर दिया चारों तरफ इसको हमने मिट्टी से कवर कर दिया अच्छे से ठीक है फिर क्या है इधर थोड़ी जगह निकाल के इधर थोड़ी जगह निकाल के क्या करो उसके अंदर आग लगा दो बस आग लगा के भाग जाओ सुहा करके भाग जाओ ठीक है सर ब्रिक्स से फ्यूल दब नहीं जाएगा बेटा ब्रिक को इतनी भारी नहीं है हल्की हल्की ब्रिक्स हैं वो है ना दब जाएगा दबने तो कोई दिक्कत नहीं है उसके नीचे जलना भी जरूरी ना ये फ्यूल सब जलेगा ये फ्यूल जो है जलना शुरू करेगा और क्या करेगा इन ब्रिक्स को गर्म करेगा इनके धुएं से इनके धुएं से ये ब्रिक्स जो है वो धीरे धीरे पकना शुरू करेंगे और जब वो पकेंगी ठीक है ये प्रोसेस चलती रहती है चार पाँच महीने तक दो तीन महीने तक जलता ही रहता है ये समझ समझो छः महीने बाद आके हम ये सब मिट्टी उट्टी हटाएंगे अंदर से ईंट को निकाल लेंगे बाहर ठीक है इस तरह होता है एक दो महीने पीरियड इसका जलने का पीरियड होता है इसका क्रॉस सेक्शन शेप कैसा ट्रेपेजॉइड तुमको सब सर ने आवे समझा दिया ठीक है लेकिन हाँ एक बात यह है कि कोई भरोसा नहीं सर इसमें कौन सी ब्रिक किस प्रकार की बन जाए कोई ब्रिक ऐसी हो सकती है जो ज़्यादा क्वालिटी की हो कोई ऐसी है जो कम क्वालिटी की हो तो इसमें क्या है थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म बर्निंग रहती है तो प्रॉब्लम आती है भाई बात समझ रहे हो तो एक एक बार में लगभग लगभग तुम कई हजार ईट क्या नाम है डिपेंड करता है कि तुमने स्ट्रक्चर कितना चौड़ा बनाया है उस हिसाब से तुम डिपेंड करता है कि तुम कितनी ईट यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो एक एक बार में ठीक है लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स क्या होगी कम होगी सीधी सी बात है और यहां पे एक बार तुमने इसको आग लगा दी तो तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो ठीक है एक बार तुमने आग लगा दी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो बहुत ध्यान से देखो इस डायग्राम को क्यों इसका मतलब यह है कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स मेंटेन कर नहीं पाएंगे हम लोग है ना ओके बिल्कुल समझ में आ गई बात चलो तो यहाँ पे इतना समय लग जाता है और हाँ इसको सही से कूल होने में छह महीने का समय लगता है तो ये देसी तरीका है हाई रेट उनको सब पता चल गया फ्यूल बदल गया ये हो गया अच्छा फ्यूल में क्या क्या यूज करते हैं फ्यूल हम लोग जैसे घास सूखी घास होती है जलने लायक होती है या कोयला यूज कर सकते हैं या काउडंग यूज कर सकते हैं जो भी जलने वाली चीज है ना कंडे जिसे बोलते हैं कंडे जानते हो गांव में जलाए जाते हैं तो वो है हिसाब किताब ठीक है लेकिन हाँ स्मॉल स्केल टेम्परेरी स्ट्रक्चर एक बार होगी बात खत्म हो जाएगी और टाइम लग जाता है दो छह महीने का ठीक है और ब्रिक्स की जो संख्या बनती है वो डिपेंड करता है कि तुम कितनी ईट यहां पे रख रहे हो दसों हजार ब्रिक्स तक बन सकती है दस तक ब्रिक्स इसमें बनती है ठीक है चलिए ओके सर आगे बढ़ते हैं हम लोग

फिर जब वो ठंडे हो गए हमने ईंट को बाहर निकाला जब ये बाहर आएंगे तब अगले ईंट अंदर जाएंगे समझो अंदर फिर कच्ची ईंट बाद में जाएगी तो इसमें सर देखिए नाम में लिखा है अप अप का पहले मतलब समझो पे जो गैसेस मूवमेंट है ये जो अप शब्द है ये अपशब्द का क्या मतलब है यहाँ पे जो गैसेस का मूवमेंट है वो सर ऊपर की तरफ हो रहा है बहुत ध्यान सुनना क्या मतलब है सर देखिए सर ये मेरी भट्टा है ठीक है ये मेरा क्या नाम है भट्टा है इसके अंदर क्या हो रहा है बहुत तुमने देखी भी होंगी यार अपने देश में बहुत कॉमन है तुम याद करो तुम लोग ने कभी कभी क्या नाम है हाईवे से निकले हो तुमको बड़ी बड़ी चिमनी ऐसे दिखाई देती है सर्कुलर शेप में सर्कुलर शेप में ऊपर जाते हुए दिखाई देती है दिखा देखिए सबने उसमें जो बर्निंग होती है वो नीचे की साइड ही होती है यहाँ पे होती है और सारी जो गैसेज होती है वो धीमे में क्या करती है ऊपर जाती हैं ठीक है थीके? ऐसे ऐसे मूव करके क्या करता है ऊपर जाती है गैसेज ठीक है और ऊपर चिमनी से धुआं निकल जाता है सबने देखी होंगी इसका जो क्रॉस सेक्शन शेप है सर ठीक है इसका जो क्रॉस सेक्शन शेप है वो जनरली सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप में रहता है ठीक है तुम यहाँ देख सकते हो ये हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यूज किया है फिलहाल तो जब रेक्टेंगुलर रेक्टेनल सेक्शन होता है तुम देखो उसके अंदर ईंट रखो कैसे पहले तुमने ब्रिक्स रखी है यहाँ पे फिर बीच में जगह छोड़ी फिर ब्रिक्स रखी बल्कि ब्रिक्स ऐसे नहीं बहुत सारी ब्रिक्स रखी है यहाँ पे ठीक है दो एक ब्रिक नहीं है ये पचासों ब्रिक यहाँ पे ऐसे रखी हुई है लाइन से है ना समझ रहे ये ब्रिक्स रखी है सारी देख पा रहे हो फिर बीच में जगह छोड़ी अच्छा जहां जगह फिर यहाँ ब्रिक्स रखी बहुत सारी हमने ठीक है बहुत सारी ब्रिक्स रखी है सर यहाँ पे ऑब्वियसली रहे हो ब्रिक्स रखी है बहुत सारी ठीक है सर बहुत सारी ब्रिक्स रख दी है यहाँ पे और यहाँ बीच में क्या है बीच में यहाँ पे फ्यूल रखा है बीच में बेटा यहाँ पे क्या फ्यूल फिर ब्रेक फिर फ्यूल फिर ब्रेक फिर फ्यूल इस तरह से रहता है ना लेकिन हाँ ये सब जमीन पर रखा है ये सब बेटा जमीन रखा हुआ है बात समझ गया फिर इसको कर देंगे सर ऐसे करके मासी जला के भाग जाएंगे सर मासी जला के भाग जाएंगे एकदम फिर क्या होगा धुआं ही धुआं हो जाएगा अंदर लेकिन जो धुआं है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है यार ये डोर एंट्री के लिए जो डोर है ये है ना सर जो धुआं है वो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा ये हम ऊपर से देख रहे हैं स्ट्रक्चर को तो हमारा धुआं जाएगा सर ऊपर अब प्रॉब्लम सर यहाँ क्या होती है बाकी तुम पढ़ लेना है ना प्रॉब्लम सर पे प्रॉब्लम क्या हो रही है प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो नीचे है नीचे गर्मी ज्यादा होगी क्योंकि धुआं वहीं से निकल रहा है नीचे गर्मी ज्यादा तो नीचे की जो ईंट है वो ज्यादा पकती है भाई धुआं नीचे है तो सारी अपनी हीट नीचे नीचे दे, दे देगा और जब ऊपर जाएगा तो उसकी हीट कम हो चुकी होगी तो तुमसे पूछे कि ज्यादा स्ट्रॉग ईट कहाँ बनती है तो तुम बताओगे सर वो नीचे रहती है ऊपर अगर ईंट अच्छे से पक नहीं पाती है तो हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा मेथड बढ़िया नहीं है ऐसा भी कर सकते हो कि सारी ईंट नीचे रख दो ऊपर तक ज्यादा रखो ही नहीं ज्यादा ऊपर तक हाइट लो ही नहीं है ना तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी जो ओपनिंग पढ़ सकते हो सब लिखा हुआ है वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसकी जो आग लगती है अड़तालीस से साठ घंटे लगती है कूलिंग इसकी सात दिन तक चलती है ठीक है फिर भी काफ़ी कम है महीनों से तो काफ़ी कमी है लेकिन इसमें जो गैस का मूवमेंट है वो क्या है ऊपर इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम यहाँ पे जो घुसुएं का मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो सब ऊपर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म टाइप की बर्निंग हुई है जिससे हमारी सारी ईंट की स्ट्रेंथ सेम नहीं आई है मज़ा नहीं आया सर मज़ा नहीं आया पैसा बर्बाद हो गया सर अब जरा आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ, गैस करेंसी कम होती है ऑब्वियसली चलो आगे गाय का खुतुबमीनार होता रहा गांव का है अच्छा इतना टाइम कैसे बेटा जलता ही रहता है ये बहुत देर तक ठीक है ये जलता ही रहता है बहुत देर तक चलो अगला देखो बेटा कमेंट तुम तो लोग देख लिए गए हैं कुछ नहीं है इसमें अगला आता है डाउनलोड अब देखो डाउनलोड अच्छा क्यों है डाउनलोड अच्छा, अच्छा क्यों होता है उसके कंपैरिजन में अपड्रोड के देखो इसमें ऐसा है कि हम लोग भी यहाँ बर्निंग कर रहे हैं यहाँ बर्निंग कर रहे हैं लेकिन यहाँ देखो पूरा कवर करके रखा हुआ है हमने और अब देखो धुआं जो भी रहेगा यहाँ इसको ध्यान से देखना ये डाउन रोड है सिस्टम समझना सर हमको सर धुआं यहाँ नीचे लग रहा है लेकिन ऊपर हमने यहाँ पे ओपनिंग नहीं दी हमने क्या करा ये धुआं पूरा इसके अंदर फैलेगा अब देखो जब पूरा धुआं इसके अंदर फैलेगा यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा और देखो निकलना उसको नीचे से हो ही है जब धुआं यहाँ भरेगा तो पहले ऊपर जाएगा और पूरे इस क्या नाम है जो भी एरिया है सर्कुलर रेक्टेंगुलर जो भी होगा वहां पे अच्छे से क्या होगा पूरा भर जाएगा पूरा अच्छे से भर जाएगा और एक यूनिफॉर्म सा माहौल से हर एक अच्छे से क्या होगी? बर्न हो जाएगी तो पहले सर देखिए ऊपर तो तो निकलती है तो हॉट गैसेस क्या होती है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए पहले ऊपर गए फिर नीचे आए अब नीचे आने के कारण क्या बोलते हैं डाउन रोड मतलब यहाँ पे गैसेस का मूवमेंट कहा है नीचे की साइड में ठीक है और यहाँ से फिर क्या होगा सर हमारी जो धुआं है वो सर यहाँ से बाहर निकल जाएगा ठीक है फायदा फायदा ये है सर क्योंकि धुआं यहाँ पे इस तरफ से आग लगी और धुआं पे सब जगह गया है सब जगह इवनली गया है और फिर नीचे जाके फोर्सफुली बाहर निकला है तो हमारे जो ब्रिक्स बनती है वो अच्छी बनती है और इवनली बर्न है सारी की सारी ब्रिक्स तो ऑब्वियसली अपड्रॉप से बेटर है समझ पा रहे हो बात सर बिल्कुल बात समझा की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ देखो सिस्टम आपने देखा बहुत कॉमन है ठीक है तो तुम देख सकते हो कि अपड्रॉप ड्राफ्ट थोड़ी हमारी जो क्या बेकार है और डाउन ड्राफ्ट हमारी क्या है थोड़ी अच्छी है ये हो गई ये हो गई अब कौन बच रहा है सर अब बच रहा है कंटिन्यूसिल कंटिन्यूस के अंदर सर देखिए कौन कौन है बुलट्रेंच हॉफमैन और टनल तीन है सर बुलट्रेंच हॉफमैन और टनल इनमें भी ऑब्वियसली हॉफमैन ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू कौन सी बुलट्रेंच अब जरा हम थोड़ा सा तुमको इंटरमीडियंट और कंटिन्यूस से फर्क समझा रहे हैं तुम जरा सोचना और बताना हमको कि जो पॉइंट्स तुमको सर बता रहे हैं वो सही है कि नहीं ठीक है तुम बताओ इंटरमीडियन और कंटिन्यूस में क्या फर्क है सर सबसे पहला फर्क तो यही है कि जो इंटरमीडियंट है ठीक है जो इंटरमीडियंट है वहाँ पे चलो अभी कंटिन्यूस पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा इंटरमीडियट में क्या है कि हमारी जो ब्रिकों की संख्या बनती है वो कम बनती है कंटिन्यूस में क्या होगी ज़्यादा बनेगी क्योंकि वो रुकती है नहीं वो रुकती नहीं है और उसमें बराबर ब्रिक्स बनती रहती हैं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ठीक है लेकिन क्लैम तो एकदम ही बेकार है सर क्लैम तो एकदम ही बेकार है इसमें तो ब्रिक की जो क्या नाम है क्वालिटी वो भी हमको यूनिफॉर्म नहीं मिल रही सब बेकार है के ब्रिक मिल रहे थे क्षमता भी बहुत कम थी हर सीजन में इसको यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर भी था तो काफ़ी प्रॉब्लम है ठीक है लेकिन यही अगर बात करें किल की तो क्या है कि किल में क्या है स्टार्टिंग में खर्चा होता है स्टार्टिंग कॉस्ट उसकी लगती है लेकिन हाँ ये है कि एक बार हमारा स्ट्रक्चर बन गया परमानेंट स्ट्रक्चर हमारा बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं और यहाँ जो तुमको क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स मिल रही है वो ऑब्वियसली क्या है क्लैम्प से काफ़ी ज़्यादा है और कमाल की बात और ये है कि यहाँ पर जो आग है जो फायर हम लोग लगा रहे हैं वो फायर हमारे कंट्रोल में होती है यहाँ पर ठीक है तो इधर सर देखिए फायर कंट्रोल में है नहीं सर यहाँ पर एक बार फायर लग गई लग गई लेकिन यहाँ पर फायर हमारे कंट्रोल में होती है समझ लो तो यहाँ फायर कंट्रोल में नहीं है यहाँ फायर कंट्रोल में है ठीक है यहाँ बेकार क्वालिटी के भी मिलते हैं या अच्छी क्वालिटी भी बनते हैं यहाँ ब्रिक की संख्या कम है यहाँ ब्रिक की संख्या ज्यादा है यहाँ इनिशियल कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती है यहाँ इनिशियल कॉस्ट अच्छी खासी लगती है इनिशियल कॉस्ट अच्छी खासी लगती है बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सर एकदम समझ में आ रही है कोई दिक्कत नहीं ठीक है और इसमें समय भी काफी कम लगता है देख सकते हो इसमें समय सात आठ दिन का लग रहा है बस और यहाँ समय भी काफी ज्यादा लगता है और यही सारे फर्क है जो इसमें है किसमें क्लैंप में और किल में लेकिन ऑब्वियसली हम लोग जो देश में अपने भट्टे बनते हैं वो सब कौन से हमारे वो सब इसी रेंज में आ रहे हैं क्लैम प्लैम तुमको कम देखने को मिलेगा लेकिन बन सकता है स्मॉल स्केल वर्क के लिए और ये हमारा लार्ज स्केल वर्क के लिए ठीक है सर इसमें और इसमें हमको अब कोई दिक्कत नहीं हम अच्छे से कंपेयर कर चुके हैं ये भी हमने पढ़ लिया अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे कंटिन्यूस की ओर ठीक है आई होप सबको यहाँ पे इनके डिफरेंस समझ में आ गए हैं ठीक है सस्ता महंगा टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर परमानेंट स्ट्रक्चर और स्मॉल स्केल लार्ज स्केल ब्रिक की क्वालिटी बेकार ब्रिक की क्वालिटी अच्छी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम फायर को अपने हाथ में नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो एक बार आग लगाई भाग गए और यहाँ पे क्या है फायर तुम्हारे हाथ में है

बुलट्रेंच है और अच्छी इमेज है कि नहीं इसकी ये थोड़ी सी अच्छी इमेज है ना ये थोड़ी सी अच्छी इमेज है इसमें जो चिमनीज वगैरह होती है मूवेबल होती है या देखो बहुत कमाल का डायग्राम बना हुआ है कंटिन्यूस बुलट्रेंच है बुलट्रेंच क्या होता है थोड़ा सा जमीन के अंदर थोड़ा सा जमीन के ऊपर होती है आधी आधी रहती है पार्सली इसमें लिखा भी हुआ है एक्सक्यूज <coughs> मी क्या हो गया सब होता रहता है माफी हाँ तो क्या बोल रहे थे जो हमारी बुलट्रेंच है वो अंडरग्राउंड भी हो सकती है या तो पार्शली क्या हो सकती है बाहर निकली होगी है ना तुम देखो यहाँ पे यहाँ देखो ध्यान से ये सर जमीन है ये जमीन बनाई जमीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं लॉ बनाते हैं ठीक है और ये जो आपकी पूरा भट्टा बना है सर ये जो पूरा भट्टा आप देख रहे हैं ये ज़्यादातर अंडरग्राउंड है या कह सकते हैं पार्शली हल्का सा बाहर निकला हुआ है है ना ये हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है सर क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे हमको एक चिमनी भी दिखाई दे रही है एक चिमनी भी दिखाई दे रही है और अगर हम इसका सेक्शन ऊपर से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे चेंबर्स बने हुए हैं सर यहाँ पे बहुत सारे चेंबर्स बने हुए हैं ठीक है चेंबर्स कुछ इस प्रकार से हैं कुछ इस प्रकार से हैं कि इधर से एक बेल्ट जा रही है बेल्ट एक रैंप है ठीक है रैम्प है जिसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं ईंट को अंदर लेके जाते हैं ठीक है ईंट अंदर जाते रहेंगे आप देखो ईंट अंदर जाएंगे तो एक मूवमेंट इधर होगा एक मूवमेंट इधर होगा ईंट इधर से इधर इधर से इधर इधर और यहाँ बाहर निकल जाएंगे इधर है ना देख पा रहे हो ईंट जो है इधर से चलेंगे पहले चेंबर वन में फिर टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके बाहर आ जाएंगे और जो ईंट इधर से एंट्री कर रहे होंगे जो इंड इधर से एंट्री कर रहे होंगे वो इधर का चेमर वन टू ठीक है इस तरह से मूव करके ऐसे करके बाहर निकल जाएंगे ठीक है जनरली ऐसा होता है तो एक बेल्ट हमारी चल रही इधर इधर से करके ऐसे और एक चल रही इधर तो ब्रिक इधर से आ रहे हैं उधर से निकल रहे हैं तो एक साइकिल इधर चलेगी वन टू फोर फाइव सिक्स वाली और एक साइकिल इधर चलेगी मतलब जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बहुत सारे ब्रिक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और तुम नंबरिंग देख सकते हो जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर वाली जो साइकिल उधर से स्टार्ट हो रही है और यहाँ वाली साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो जो वन यहाँ है वही वन यहाँ जो टू यहाँ है वही टू यहाँ है ठीक है तो नीचे इधर से उधर चलेगा इधर से उधर चलेगा ठीक है ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं और ये इसकी आउटर ब्रिक वॉल होती है इनर ब्रिक वॉल होती है और जो भी हमारी बर्निंग वगैरह होती है वो सब होती है इसके बीच में ठीक है ये जगह खाली छोटी होती है ये सिर्फ धुएं को ऊपर ले जाने के लिए जगह छोड़ दी जाती है बीच में ठीक है चिमनी का जो क्या नाम है देखोगे डायग्राम देते हैं ठीक है समझ गए अब सर देखिए क्या करते हैं वन में हम लोग ब्रिक को लोड करते हैं ब्रिक को यहाँ रखते हैं ठीक है ये सब लिखा हुआ है लोडिंग अनलोडिंग सब होता है लेकिन हाँ धीमे धीमे आपने लोडिंग अनलोडिंग सब कर लिया फिर हम क्या करेंगे ब्रिक को नंबरिंग थोड़ी सी उल्टी सीधी कर रखी है उन्होंने चलो वो छोड़ो देखो करना क्या समझो ब्रिक को हमने लोड किया आगे बढ़ाया इधर लेके आए पे हम करेंगे मान लो प्री हीट पहले उसको हल्की देखो बेसिकली क्या है ब्रिक को लोड करके उसको करना है प्री हीटिंग थोड़ा कम हीटिंग देनी है फिर उसको अच्छे से हीट करना है मतलब मान लो मेन जो हमारा चेंबर है जहाँ पे आग लग रही है वो हमारा मान लो फोर्थ चेंबर है तो फोर्थ चेंबर के पहले अगर एक्चुअल बर्निंग यहां हो रही है तो यहाँ पे उसको प्री हीट करेंगे थोड़ा सा हल्की हल्की हीट देंगे और जो एक्चुअल हीटिंग उसकी करनी है वो यहां करेंगे ठीक है तो प्री हीटिंग उसका डिहाइड्रेशन फेज वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बर्निंग होगा फिर सर असली बर्निंग होने के बाद जब वो आगे जाएगा तो यहाँ पे कूलिंग होगी और कूलिंग के बाद आखिरी में उसकी क्या होगी अनलोडिंग होगी बाहर हो जाएगा समझ गए तो हमारे पूरे छे छह चेंबर जो है उसमें क्या है लोडिंग है उसको रखना है बढ़ाना है प्री हीटिंग करना है बर्निंग करना है कूलिंग करना है मेनली हमारे यहाँ तीन स्टेप हैं देख सकते हो

कोई दिक्कत नहीं है आप देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या किया जा रहा है ये अंदर की दीवारें बाहर की है चिमनी यहाँ पे लगा दी हमने यहाँ देखो सारी ब्रिक्स हमने बढ़िया से रख दी है ब्रिक्स हमने सजा के एकदम बढ़िया से रख दी है ठीक है यहाँ ऊपर क्या है कि बहुत सारे होल्स होते हैं होल्स होते हैं आप बीच में बहुत सारे ठीक है क्यों बहुत सारे होल्स हैं सर इसमें क्या करते हैं इसमें हम लोग बहुत सारा फ्यूल डालते हैं फ्यूल जला देते हैं अब जलाते हैं तो यहां धुआं आता है धुआं सर क्या करता है इसके बीच में जाता है तुमको बताया था जो बीच वाला जोन है वो धुआं निकालने के लिए है तो इसकी दीवार में सर छेद रहते हैं यहाँ पे नीचे क्या होगा दीवार में पे छेद देख पा रहे हो दिख रहे हैं पे बिल्कुल सर और इन छेद से क्या होता है धुआं अंदर चला जाता है से, चल से क्योंकि ब्रिक्स वहीं पर रखी है यहीं जल नहीं सारी ब्रिके धीमे धुआं अंदर जाएगा अंदर ऐसे मूव करके और ऐसे आके ये ऊपर निकल जाएगा धुआं समझ रहे हो इस तरह का रहता है भाई सिस्टम और ऊपर से पूरी एक कवर्ड कर दी गई है ताकि वो ब्रिक अच्छे से जलती रहे जलती रहे अब देखो क्या होगा जलती रहेंगी ये हटेगा आगे बढ़ेगा फिर और आएंगे फिर ये हटेगा आगे बढ़ेगा अनलोड करेंगे और बढ़ता रहेगा तो पूरा ये जो चेम्बर है धीमे धीमे करके यूटिलाइज होता रहता है कहीं आग लग रही है कहीं पे लोडिंग हो रही है कहीं अनलोडिंग हो रहा है इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता रहता है लेकिन कभी ये रुकता नहीं है कभी रुकता नहीं है ठीक है चलिए बात समझ में आ गई सर मतलब कुल मिला के बाद मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक हमारी क्या हो रही है जल रही है एक बार तुम चाहो तो क्या नाम है गूगल पे इसको थोड़ा देखना भी ठीक है फिर हमारी कौन सी आती है सर हॉफमैन अब हमारी कौन सी आती है हॉफमैन हॉफमैन क्या होती है गोल होती है यार गोल सर्कुलर टाइप की होती है ये सर्कुलर टाइप की तुम देख पा रहे हो यहाँ बीच में चिमनी होती है और यहाँ पे देख सकते हो बारह चेंबर है एक दो तीन चार पांच छ करके बारह चैम्बर है वहां भी छ छ बारह थे यहाँ भी पांच छह बारह है छह बारह और लाइन से एकदम लगे हुए हैं ठीक है थीके? एक में देखो अब यहाँ लिखा हुआ है पहले चेंबर में क्या है लोडिंग कर रहे हैं बाकी दो से पांच में हीटिंग चल रही है लगातार छह से सात में बर्निंग फिर कूलिंग फिर अनलोडिंग देखो सिंपल हो गया है ना सर आपने क्या कर पहले लोड किया उसको पहले प्री हीटिंग करी फिर आपने एक्चुअल बर्निंग करी और फिर क्या करा आपने उसको ठंडा करके बाहर कर दिया ठीक है ओके तो हर एक चैम्बर को अगर तुम बहुत ध्यान से देखो हर एक चैंबर को बहुत ध्यान देखो तो इसमें चार दरवाजे हैं एक तो अपना मेन क्या नाम है मेन डोर है यहाँ से एंट्री करने के लिए दिख पा रहा होगा ठीक है मेन डोर है ये क्या है ये जो बगल में यहाँ लगे छोटे छोटे दरवाजे एक दूसरे एक दूसरे चैम्बर में जाने के लिए इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग डोर क्या बोल रहे हैं कम्युनिकेटिंग डोर बोल रहे हैं समझ रहे हो बिल्कुल बात समझ में आ रही है फिर तुम देख सकते हो ऊपर से हर एक चेंबर में ऊपर से फ्यूल डालने की व्यवस्था है हर एक चेंबर में ऊपर से फ्यूल डालने की व्यवस्था है देखो मेन डोर है यहाँ से एंट्री करने के लिए ठीक है फ्यूल डालने की व्यवस्था है ओके कोई दिक्कत नहीं और ये इसके आस ये इधर से उधर जाने के लिए क्या है कम्युनिकेटिंग डोर है तुम तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो तुमको यहाँ पे एक ये दो डोर दिख रहे हैं यही है वो दो डोर ठीक है जो एक चेंबर से दूसरे जोन में दूसरे चेम्बर में तुमको लेके जा रहे हैं ठीक है तो बस बेसिक सा ये बना हुआ है और सारे अच्छा ये अच्छा क्यों है सर क्या है कि थोड़ा सा सब कुछ यूनिफॉर्मली डिस्ट्र्यूटेड है सेंटर के अबाउट और यहाँ जो जो भी यहाँ पे बर्निंग वर्निंग होगी सारा धुआं इधर आके सेंटर से बाहर आ जाएगा ठीक है सारा धुआं इधर मूव करके सेंटर से चला जाएगा ऊपर ठीक है कहानी क्लियर जल्दी से और ये ज्यादा अच्छा होता है क्या ये ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू हमारा जो पीछे था कौन सा बुल्ड्रेंच ज्यादा महंगा भी है ये देखो रियल रियल अगर तुमने कभी हॉक मैन किल देखी हो तो इस तरह की दिखती है ध्यान से देखो ठीक है कभी देखा नहीं मोबाइल अरे मोबाइल मतलब वो बस उस, उसको उठा के उधर ले जा सकते हो बस ऐसा है समझ रहे हो क्या बता रहे हो सर के लिए हार्ट बिल्कुल चिमनी जो होती है मोबाइल कैसे बेटा चिमनी जो होती है वो तुम एक जगह से दूसरे के शिफ्ट कर सकते हो इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड मतलब वो जमीन के नीचे के लेवल पे है ठीक है अब ऐसा नहीं होता अंडरग्राउंड तुम जा नहीं सकते हो बहुत सारी जो क्या नाम है पार्किंग होती है अंडरग्राउंड होती है क्या करते है? तुम करके अंदर चले जाते हो बस वैसी जगह बनी होती है बस और कुछ थोड़ी है इंटरमीडियट बेटा सारी जमीन के ऊपर थी ठीक है इंटरमीडियट पूरी जमीन के ऊपर थी ठीक है और जीवन बोल रहे हैं कि इंग्लिश सर इंग्लिश में बेटा नहीं है हिंदी वाला बैच चल रहा है तुम इंग्लिश जानते ही हो ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे यार समझ गए सर हम लोग अब जरा हम यहाँ पे बुल ट्रेंच और हॉफमैन चलो इसको अभी कंटिन्यू करते हैं लेकिन हम लोग पहले काम करते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं कौन सा टेस्टिंग चलो बाद में करेंगे हम काम करते हैं फटाफट सर यहाँ पे जुड़ो जल्दी हाँ, से सर देखिए टनल के अंदर क्या स्कीम है सर टनल के अंदर क्या स्कीम देखो ये सब आएगा नहीं जितना तुमको बता रहे हैं वही बहुत है तो यहाँ सर एक यह टनल होती है टनल कह सकते हैं टनल के अंदर हमारा एकदम स्ट्रेट दिख रहा है एक बेल्ट है जो टनल में जा रही है यहां पे बढ़िया से ईट रखी होंगी यहां ईंट वगैरह रख दो ठीक है ठीक है सर ईट वगैरह रख दी हमने पे कई सारी ईंट रखी है पे कई सारी ईंट देख पा रहे हो बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है सर ईट रखी है बहुत सारी ये बेल्ट है तुम तो ऊपर से देख लो बेल्ट ऐसे मूव कर रही है आगे बेल्ट ऐसे आगे मूव कर रही है बहुत सारी ईंट यहां पे रखी हुई है ठीक है चलिए ओके सर ओके नो प्रॉब्लम ईंट इस तरह काफी जगह ईट रखी हुई है अब देखिए सर क्या है टनल के सेंटर में आग बहुत ज्यादा है ठीक है यहां बाहर का एरिया है यहां से हम लिखते हैं इन इन ठीक है ब्रिक्स की एंट्री हो गई है ब्रिक्स गोइंग इनसाइड ठीक है टनल ब्रिक्स गोइंग इनसाइड टनल अब जैसे जैसे सर ये आगे बढ़ती हैं जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं सर क्या होगा हीट की मात्रा बढ़ने लगेगी ठीक है देखो हीट मिलती है अभी यहां हीट नहीं है जैसे सेंटर में जाएंगी हीट बढ़ेगी तो इधर मान लो थोड़ी बहुत हीट मिल रही है थोड़ी हीट मिल रही है थोड़ा और आगे जाएगी और हीट मिलेगी और हीट हीट बढ़ती जा रही है सर है ना ऑब्वियसली सेंटर में हीट क्या है बहुत ज्यादा है सेंटर में हीट बहुत ज्यादा है फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर हीट कम होने लगेगी फिर हीट कम होगी बात समझो ध्यान से हीट कम होगी और बाहर आते आते हीट एकदम से खत्म हो जाएगी और वो अपना कूल होते होते बाहर हो जाएगी समझ रहे हो बात तो ये हमने हीटिंग मैग्नीट्यूड दिखाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हमारी ये बेल्ट कन्वेयर पे हमारी ब्रिक्स आगे आगे बढ़ रही हैं बेल्ट कन्वेयर पे जैसे जैसे ब्रिक्स हमारी आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है उसकी क्या हो रही बताओ जल्दी से उसकी हीटिंग क्या हो रही बढ़ रही है देखो सर हीट बढ़ी हीट और बढ़ी हीट और बढ़ी और बढ़ी तब से ज़्यादा हीट कहाँ रहेगी बीच में और यहाँ वो अच्छे से बर्न हो जाएगी और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो कूल होती जाएगी और बाहर हो जाएगी ठीक है तो ये तुम्हारा बेल्ट कन्वेयर है सिंपल सा बेल्ट कन्वेयर तो जानते ही तुम लोग बता चुके हैं उस पर हमारी ईंट मूव करके टनल में जाती हैं और आराम से ठंडी होकर बाहर निकल आती हैं ठीक है बहुत बहुत ही एडवांस मेथड है और यहाँ पे ब्रिक्स जो है काफी अच्छी तरीके से वन वन भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं आती ठीक है थीके? समझ सामाजिक योग्य तुम लोग बहुत बेसिक सा होता है ये एडवांस है इतना ज्यादा यूज यूज नहीं होता है ठीक है समाज ने जल्दी बताओ अब जरा हम लोग क्या करते हैं और बुलट्रेंचमैन जरा कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा बुलट्रेंच और हॉफमैन ने जरा कंपैरिजन कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह लिख लेते हैं बढ़िया से एक सेकेंड कहां तो जरा बुलट्रेंच और हॉकमेन कंपैरिजन कर लिया जाए यहाँ पे कुछ जरा खुफिया पॉइंट बुलट्रेंच इधर लिखेंगे इधर पहले लिखा जाएगा बुलट्रेंच का इधर लिखा जाएगा हॉकमैन का ठीक है यहां बुलट्रेंच का और यहां पे हॉकमैन की बात बुलट्रेंच किल और इधर क्या हॉकमैन किल तो चलो जल्दी बताना शुरू करो बुलट्रेंच किल और हॉकमैन किल तो इसके अंदर कुछ डिफरेंसेज हैं जो हम लोग को थोड़ा सा देखने पड़ेंगे हाँ ये बात एक और सही है कि हॉकमैन किल ज्यादा बेटर है ना हॉकमैन जो किल है सर हमारी वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बुलट्रेंच ठीक है बुलट्रेन से ज्यादा अच्छी है तो हॉक जो है स्टार्टिंग की कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा इनिशियल कॉस्ट की काफी है एज कम्पेयर टू ये है ना? चलो पहला एक एक पॉइंट देखते हैं हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करें बुलट्रेन के बुलट्रेज में तो जो बुलट्रेन है उसमें लगभग लगभग तीन लाख ईट बन जाती है बारह दिन में और इसमें चालीस लाख ईट बनती है एक सीजन में ठीक है यहाँ पे लगभग तीन लाख ईट बनती हैं ब्रिक्स इन डेज ठीक है इन ट्वेल्व डेज और यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग चालीस बन जाती है, एक पूरे सीजन में, तो की काफी अच्छी है, लेकिन पॉपुलर है? है ऐसा इसलिए होता है क्यों क्योंकि ये क्या नाम है ये इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है काफी कम होती है ठीक है इसलिए बुलट्रेज की जाती है इंडिया में काफी तो इनिशियल कॉस्ट इसकी इनिशियल कॉस्ट इज लो तो देखो तुम भी अगर कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो जहां शुरुआती खर्चा कम हो तो वही करना शुरू करोगे लेकिन यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट हाई है है ना इनिशियल कॉस्ट हाई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ब्रिक की क्वालिटी बनती बेटर होती है ठीक है यहाँ लिख सकते हैं ब्रिक क्वालिटी इसकी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू हॉफमैन तो बुल ट्रेन की जो ब्रिक की क्वालिटी वो कम रहेगी बात समझ में आ रही है कि नहीं तो हम यहाँ लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ और... परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स इज यहां पे लिखेंगे लेस और यहां लिखेंगे इज इज मोर मोर ठीक ठीक है है गुड ब्रिक्स की क्वालिटी मोर है है ठीक थर्ड पॉइंट हो गया वन टू थ्री और बात करते हैं फ्यूल की कॉस्ट अब बात आती है जरा फ्यूल की कॉस्ट के ऊपर ठीक है फ्यूल की कॉस्ट की अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा सा कंजम्पशन फ्यूल का ज्यादा होता है ठीक है हाई फ्यूल कंजम्पशन हाई फ्यूल कंजम्पशन यहां पे होता थोड़ा सा फ्यूल कंजम्पशन कम एज कंपेयर टू दिस यहां लो फ्यूल कंजम्पशन है लॉन्ग टर्म में अगर तुमको कोई भट्टा बनाना है तो हॉकमैन के नहीं बनाओ वैसे इंडिया में देखने को ज्यादा नहीं मिलता है हॉकमैन जनली बाहर के देशों में चलते हैं ठीक है अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करें तो जो स्पेस है अब तुम खुद सोचो ये जो है सर्कल के शेप में आती है सर्कल के शेप में लग जाएगी इसको जगह कम चाहिए इसको जगह थोड़ी तो सी ज्यादा चाहिए लंबी है काफी लेंथ में होती है सर ये ठीक है यहां पे लिखेंगे रिक्वायर मोर स्पेस एज कंपेयर टू हॉफमैन ऑफमेन मोर स्पेस और इसको चाहिए कम स्पेस ठीक है सर्कल के शेप में सारा के सारा धुआं पास में रहता है कम फ्यूल में ज्यादा मजा आ जाता है सर है ना यहाँ पे रिक्वायर्स लेस स्पेस अब क्योंकि लेस स्पेस में तुम काम कर रहे हो तो धुआं जो है ज्यादा एफिशिएंट रहेगा रिक्वायर्स लेस स्पेस ठीक है तो यहाँ पे अच्छी ईट कम बनती है यहाँ पे अच्छी ईट ज्यादा बनती है इसमें इनिशियल कॉस्ट कम है वहाँ इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है ठीक है देख समझ सकते हो यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो ज्यादा पॉपुलर भी कौन है यहाँ पे यही ज्यादा पॉपुलर है अपने कम कॉस्ट की वजह से यहाँ पे लिख भी देते हैं ठीक है ज्यादा पॉपुलर है मोर पॉपुलर क्योंकि शुरुआती खर्चा कम है और यहाँ पे लेस यह पॉपुलर है ठीक है ये लेस पॉपुलर है और एक और कि जो हॉफमैन है वो क्योंकि पूरी तरह से कवर्ड है वो पूरे साल चलती रहती है उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती ठीक है

फंक्शनिंग थ्रू आउट ईयर और इसकी जो रूफ है वो कैसी टेम्प्रेरी रूफ है पे। लिखते हैं बारह बनानी पड़ती है और पूरे सीजन फंक्शन नहीं करती है इसकी ठीक है जैसे तुम्हारा मानसून सीजन आएगा तुरंत तुमको ये रूफ क्या है दिक्कत देगी मानसून सीजन के समय हम लोग क्या करेंगे ईट बनाना रोक देंगे ठीक है मानसून सीजन के समय हमको स्टॉप करना पड़ता है यहाँ लिख देंगे तो यहाँ पे लिखते हैं इट स्टॉप फंक्शनिंग इट स्टॉप फंक्शनिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन इट स्टॉप फंक्शनिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन तुमको रूफ दिखा देते हैं एक बार तुमको लड़ाई लग जाएगा स्टॉप फंक्शनिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन और इसमें कोई दिक्कत नहीं मानसून सीजन में चलता रहेगा जब बारिश हो रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे ठीक है तो ये हमारा हो गया कंपेरिजन किसके किसके बुलट्रेंच और ऑफमन में ठीक है पीछे देखो जरा एक बार देख लो पीछे देख लो एक बार सर देखिए इसमें तो परमानेंट रूफ हमको दिखाई दे रही है परमानेंट रूफ दिखाई दे रही है कम जगह में ज्यादा आउटपुट निकल के आ रहा है यहां लेकिन अगर हम देखें किसमें बोल्ट्रेंच में तुम देखो ये जो रूफ है ये अभी तभी रखी गई जब ईट रखी गई ईंट रखी गई।, गई फिर हमने यहाँ रूप बनाई उसके अंदर छेद करा और उसके अंदर क्या करा हमने फ्यूल डाला और उसको जलाया समझ रहे हो ये जो इसके देखो ईंट हम रखेंगे इसके बीच में जगह है ईंट रखेंगे पूरा पूरा सेटअप हम तैयार करेंगे टेम्बे रूफ है ये पूरा खुले में है पूरा खुले में है और हाँ जमीन के नीचे है जमीन को खोद के जमीन के नीचे बनाई जा रही है समझ रहे हो इसको तुम अगर थोड़ा सा गूगल पे इमेजेस देख लो और तुमको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें ठीक है ये जमीन के नीचे रहती है जनरली समझ गए सब कुछ यहाँ रूफ है बारिश होगी तुरंत तो ये काम रोकना पड़ेगा सारा ये सारी एट खुले में रखी हुई है और वहां पर तुम देखो परमानेंट रूफ बनी है तो कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है तो आई होप सब कुछ तुमको अच्छे से यहाँ पे एकदम बढ़िया से साउंड में आ गया होगा ठीक है यहाँ पे हम लोग समाप्ति करते हैं आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं ठीक है बर्निंग अपना हो गया कल से हम लोग क्या करेंगे टेस्टिंग वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे एक बार समराइज कर लेते हैं काफी कुछ ऐसे हमने पढ़ लिया है टेस्टिंग वगैरह कल से शुरू करेंगे डायमेंशन एक एक करके टेस्ट देखेंगे कोड वगैरह देखेंगे सब कुछ तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं सर समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग इसको समाप्त करते हैं और एक सेकेंड कहां भैया भाई हम्म बर्निंग बर्निंग ये रहा। ओके सर तो हम लोग यहां पे थे तो तुमने आज क्या क्या पढ़ लिया अरे एक बार देख लो तुमने आज बर्निंग पढ़ा है जिससे स्ट्रेंथ आती है इसमें तीन फेज होते थे डिहाइड्रेशन ऑक्सीडेशन और क्या लास्ट व्यूट्रीफिकेशन फेज जब वो पिघल जाता है और उसका जब ठंडा होता है तो एकदम बढ़िया सी आपको रेड कलर की हार्ड ब्रेक आपको मिलती है जिसके अंदर सफिशियंट स्ट्रेंथ आ जाती है ठीक है क्लाइम्प हमने पढ़ा टेम्प्रेरी है ऑब्वियसली इनमें में काफी फर्क है ये सस्ता जुगाड़ है है ना बात हो चुकी है और यहाँ पे लेकिन बर्निंग में कंट्रोल नहीं रहता थोड़ा तो टाइम भी ज्यादा लगता है बेकार क्वालिटी ब्रिक्स बनती है और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी ब्रिक बनती है तो किल जो है थोड़ा परमानेंट जुगाड़ सोल्यूशन है वो स्मॉल स्केल के लिए लार्ज स्केल के लिए इसमें हमने सर इंटरमीडिएट के अंदर अपड्राफ्ट ड्राफ्ट देखा बढ़िया से ठीक है इसमें धुआं हमारा ऊपर जा रहा था प्रॉब्लम थी डाउन ड्राफ्ट धुआं जब हमारा पूरा यूनिफॉर्मली घूम के नीचे आ रहा था तो यहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो अच्छी तरीके से बनी थी फिर हमने कंटिन्यूस देखा बुलट्रेंच हॉफमैन टनल यहाँ पे सर क्या है लगातार ईंट बनती रहती हैं आती जाती रहती हैं है ना इसकी जो रूफ है टेम्परे है इसकी रूफ है परमानेंट है ज्यादा क्षमता है ब्रिक्स की क्वालिटी अच्छी बनती है शुरुआत में बुलट्रेंच में कॉस्ट कम लगती है इसलिए बहुत पॉपुलर भी है है ना ये सारी बातें अच्छे से हम लोगों ने अच्छे से समझ ली है ठीक है तो आई होप तुम लोग ने यहाँ एक दो तीन चार पांच और छह आज छे टॉपिक्स तुमने अच्छे से पढ़े हैं और आई होप तुमको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया हो ठीक है कल हम लोग क्या करेंगे टेस्टिंग शुरू करेंगे मेनुफेक्चरिंग पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है बढ़िया तरीके से तो इसी तरह से सब लोग पढ़ते रहेंगे जुड़े रहेंगे कहीं कोई दिक्कत अब नहीं आएगी तुम लोग को सर पूरी मेहनत करेंगे और तुम लोग को पूरा पूरा ब्रिक्स एकदम अच्छे समझा देंगे एंड ब्रेक में नहीं पढ़ाएंगे और क्वेश्चन से तुमको कहाँ पढ़ाएंगे स्पेशल क्लास में ठीक है तो चलो जल्दी से कमेंट करो सर सबको समझ में आ गया कहीं कोई डाउट नहीं है और आज शाम को हम लोग मिलेंगे अब स्पेशल क्लास में पाँच बजे आर की जहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक घंटे के अंदर पाँच से छः बजे तक ठीक है तो चलो कोई डाउट हो तो जल्दी से बता दो फिर हम लोग सेशन को एंड करते हैं ठीक है शाम को पांच बजे तुम लोग आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सब लोग टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो चेतन सर सी एस टेन वाले पे जहां पे तुम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी सब कुछ तुम लोग वहां पे देख सकते हो ठीक है चलो थैंक यू एवरीवन ख्याल रखेंगे खुश रहेंगे एकदम ठीक है चलो टेक केयर इट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस अनुप्लीट क्रैक A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.